नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं एनएच वन। आप मेरे पीछे ये जो लंबी लाइन देख रहे हैं, ये किसी एटीएम के बाहर या आधार कार्ड के बाहर की लाइन नहीं है, बल्कि ये जम्मू की मशहूर जल्लां दी मशहूर हट्टी जो है, ये उस दुकान के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दूं कि ये जल्लां दी मशहूर हट्टी जो जैन बाज़ार में स्थित है, ये इस दुकान में जो है फेमस फेनिया और कतलम्मे जो हम करवा चौथ के दिन खाते हैं, ये उसकी मशहूर दुकान है। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर लगी है। आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जो फेनिया कतलम्मे मिलते हैं, ये सिर्फ जम्मू में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इसकी जो है बिक्री की जाती है। लोग जम्मू से अपने रिश्तेदारों को ये भेजते हैं यहाँ से खरीद कर। आइए यहाँ से बात करते हैं कुछ लोगों से। आंटी, आज यहाँ पर क्या खरीदने के लिए लाइन लगी है? यहाँ पे कतलम्मे और फेनिया लेने के लिए आई हैं, लेकिन भीड़ होने के नाते हम खड़े होना पड़ता है। आंटी, आप क्या कहेंगी, यहाँ पे आप इतनी लाइन में लगे हैं, किस चीज़ की खरीदारी की जा रही है आज? ये फेनिया और कतलम्मे। मैं देख रही हूँ कि इस लाइन यही दुकान क्यों, मतलब इतनी भीड़ है यहाँ पर, लेकिन इसी दुकान से क्यों ली जा रही है? इसकी ना बड़ी मशहूर है पहले की। तो आपने देखा कि यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि काफ़ी मशहूर दुकान है ये, और काफ़ी मशहूर यहाँ की जो फेनिया और कतलम्मे जो यहाँ पर दिए जाते हैं वो काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर कुछ आदमी की लाइन भी लगी, इनसे भी बात करते हैं। कतलम्मे फेमी लेने इसी दुकान के से कतलम्मे क्यों चलेगी? दुकान पुरानी दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है, और ये अच्छी क्वालिटी अच्छी होती है, चीज अच्छी मिलती है, बस और कोई बात नहीं। मेरा नाम विजय कुमार है। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे, किस चीज़ की दुकान है, बड़ी लंबी लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं, क्या बोलना चाहेंगे? ये फेनिया की दुकान है, जहाँ फेनी देसी घी के फेनी के लम्बे बनते हैं, जो करवा चौथ में ज़्यादातर लोग करवा चौथ में लेते हैं इनको, और करवा चौथ का जो व्रत होता है उसके में ये लिए जाते हैं। तो इसके आपके मैं मीडिया के माध्यम से सभी जो गाहक है हमारे, उनको शुभकामनाएं देता हूं करवा चौथ की भी। सभी जो अपनी अपने लाइनों में लग के जहां सामान ले रहे हैं एक एक करके, तो इस बार कोरोना की वजह से ना सामान भी हमारे पास कम है, इसलिए कम कम सामान दे रहे हैं लोगों को अभी तो। और ये बहुत पुरानी दुकान है, 100 साल पहले की दुकान है, पहले की है हमारे से भी 30-25 साल हमें भी हो गए, हमारे से पहले बुजुर्ग गए, तो ये पुराने इनके बुजुर्ग थे, ये लगी इनकी तस्वीर, उनके बाद ये आए थे, उनके बाद ये आ गए, इनकी डेथ हो गई अभी, जो पिछले साल हमारे साथ थे काम कर रहे थे, इस साल इनकी डेथ हो गई। तो इससे ठीक है, जो भी चल रहा है ऐसा ही चलेगा। क्या खास क्या रहता है आपकी फेनिया कतलम्मे और बाकियों से, क्या अलग क्या है? हमारा जो फेनिया कतलम्मे है शुद्ध देसी घी के तैयार करते हैं, और आराम से तैयार करते हैं इसको, कोई इसी ऐसी चीज़ नहीं है, बड़ी मेहनत से अच्छी शुद्ध की अच्छा सब कुछ अच्छी चीज़ बनाते हैं, और ताज़े बना के लोगों को खिलाते हैं। अभी डिमांड जैसे लोगों की कईयों की बहुत ज़्यादा होती थी, तो उनको किस तरीके से आप सामान दे रहे हैं? देखो, जिन लोगों की अभी डिमांड ज़्यादा है, सारा ज़्यादा सामान लेना चाहते हैं, और उनको भी बोल देते हैं हम कि हफ्ता पहले लो जहाँ हफ्ता एक पहले हमें टाइम दिया जाए, उसके पहले लिया जाए। जो अभी है ना, अभी 2-3 दिन रह गए हैं, इसमें इतना सामान तो अभी मिलेगा नहीं, कम सामान ही देने की कोशिश करते हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए। मेरा कंचन बाला, क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों लगी इतनी लंबी लंबी लाइनों में आज यहाँ पर, क्या खास क्या है यहाँ पे? इसमें खास ये है कि ये देसी घी की फैनियाँ हैं, और बहुत अच्छी हैं, खाने में भी बड़ी अच्छी हैं, तो बहुत पुरानी दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है, हम हमेशा यहाँ से ही लेते हैं, और काफ़ी अच्छी चीज़ मिलती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने कुछ लोगों से बात की, जिनका कहना है कि यहाँ पर जो क्वालिटी जो है इन चीज़ों की वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर दी जाती है, और काफ़ी मशहूर दुकान ये है। और इसी तरह से जम्मू की मशहूर चीज़ों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए NH1 News।